अगर आपने बचपन में कभी शक्तिमान देखा हो तो आपको एक बात तो जरूर याद होगी कि गंगाधरी शक्तिमान है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है ऑटो सेक्टर में जब हम बात करते हैं टोयोटा या फिर मारुति सुजुकी की। जी हाँ, बलिनो या ग्लेंजा देख लो या फिर टोयोटा अर्बन क्रूजर और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, अब इन दोनों में शक्तिमान कौन है ये तो आप ही बताओगे इस वीडियो के अंत में हमें कॉमेंट करके। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर का रिव्यू। ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। इंटीरियर में भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्रेजा की तरह ही आपको इसमें भी सिंपली स्टाइल्ड इंटीरियर्स और कर्व्ड डैश फेस एंड फ्लोइंग सेंटर सेक्शन देखने को मिलता है जो कि एक यंग अपीलिंग देता है। इसके अलावा सभी स्विचेस, कंट्रोल और स्टोरेज स्पेस सेम विटारा ब्रेजा जैसे ही हैं। फ्रंट और रियर दोनों पंक्तियों पर कमाल की विजिबिलिटी, बड़ा ग्लास हाउस और स्ट्रेट पिलर्स देखने को मिलता है और यहाँ पर्याप्त नी रूम और अच्छा हेडरूम भी मिल जाता है। अर्बन क्रूजर में कंपनी ब्रेजा के मुकाबले रियर सीटों का एंगल थोड़ा सा सुधार सकती थी क्योंकि इस गाड़ी में भी ब्रेजा की तरह ही लंबी दूरी की यात्रा पीछे बैठे यात्रियों के लिए आरामदायक नहीं है। सुविधा के लिए भले ही कंपनी ने इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए हैं, पर ये सब तो आपको विटारा ब्रेजा में भी मिलते हैं। अर्बन क्रूजर में कंपनी को कुछ और फीचर्स जोड़ने की ज़रूरत थी, जैसे कि कंपनी इसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी या फिर एक सनरूफ दे देती तो और अच्छा हो जाता क्योंकि इस सेगमेंट की लगभग सभी गाड़ियों में ये सब मिल रहा है। टोयोटा अर्बन क्रूजर में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 104 हॉर्स पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है और सच में ये काफी पुराना है क्योंकि इसमें प्रॉपर सेकेंड गियर का लो रेशियो भी मिलता है। इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है जिसके चलते आपको बेहतर माइलेज मिल जाता है अगर आप इसे ट्रैफिक में चला रहे होते हैं। माइलेज की बात कर ले तो आपको आसानी से 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। ब्रेकिंग भी इसकी काफी जबरदस्त है और 0 से 100 kmph की रफ्तार पर अगर आप इसे दौड़ाते हैं तो ये भी काफी अच्छे समय में उसे पूरा कर लेती है। अर्बन क्रूजर के टॉप वेरिएंट की कीमत विटारा ब्रेजा से करीब 15,000 रुपये ऑन रोड ज़्यादा है और इस ज़्यादा कीमत के साथ आपको टोयोटा ज़्यादा ओनरशिप एक्सपीरियंस भी दे रही है। जी हाँ, टोयोटा अर्बन क्रूजर में आपको मिलती है 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी जिसे आप बढ़ाकर 5 साल और 1,50,000 किलोमीटर तक कर सकते हैं। वहीं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में आपको मिलती है 2 साल और 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि टोयोटा मारुति से ज़्यादा प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस देने का दावा करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आप शक्तिमान इन दोनों गाड़ियों में किसे बनाते हैं और गंगाधर किसे बनाते हैं।